Good morning to all. Please subscribe the channel and press the bell icon for more video updates. Today is 5th October of 2020 and it's a Monday today. चलिए आज एनालिसिस शुरू करने से पहले कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, आप उनका जवाब कमेंट सेक्शन में दें। जैसे पहला क्वेश्चन है, अटल टनल जो बनी है वो किस दो एरिया को कनेक्ट करती है? अटल टनल किस दो एरिया को कनेक्ट करती है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। दूसरा क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय हर्ड इम्यूनिटी, कि डर्ड हर्ड इम्यूनिटी से आपका क्या मतलब है, ये आपको बताना है। हर्ड तो क्या कहते हैं, ये दो क्वेश्चंस का जवाब आप कमेंट सेक्शन में दें और बीच में जो एनालिसिस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप उनका जवाब भी कमेंट सेक्शन में दें। और जो कोई वीडियो देखे प्लीज़ कमेंट जरूर करें आंसर्स को, और आपको कोई दिक्कत हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए आज की एनालिसिस शुरू करते हैं, पहली न्यूज़ देखते हैं। क्या कहते हैं, न्यूज़ देखने से पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 247 या डिस्क्रिप्शन पर दी हुई लिंक से सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पर आपको सारे पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे जो आप अपने नोट्स बना सकते हैं। जहाँ से क्या कहते हैं, ये सारे पीडीएफ नोट्स आप एक्सेस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अपने नोट्स से बना सकते हैं। चलिए पहली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। पहली न्यूज़ आती है, 1 in 5 इंडियंस मे बी वैक्सीनेटेड बाई जुलाई 21। क्या कहते हैं, ऐसा गवर्नमेंट ने कहा, हमारे हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन ने कहा कि 1 in 5 इंडियन की 5 लोगों में से एक लोग क्या कहते हैं जुलाई 2021 तक क्या कहते हैं वैक्सीनेट हो जाएंगे, उनको वैक्सीन मिल जाएगा। स्टेट्स टोल्ड टू प्रिपेयर प्रायोरिटी लिस्ट ऑफ बेनिफिशरीज सेज हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन, कि क्या कहते हैं स्टेट्स ने ये भी प्रायोरिटी लिस्ट में है बेनिफिशरीज, उनको पहले प्रिपेयर किया जा रहा है इसके लिए। गवर्नमेंट ने संडे को कहा कि इंडिकेटेड दैट अबाउट 25 करोड़ इंडिविजुअल आर लाइकली टू बी इनोकुलेटेड विद अ डबल डोज ऑफ द कोविड-19 वैक्सीन बाय नेक्स्ट जुलाई, कि अगले जुलाई तक कुछ लोग क्या कहते हैं कुछ सम अमाउंट ऑफ जो इंडिविजुअल्स हैं वो क्या कहते हैं डबल डोज पा चुके होंगे कोविड-19 वैक्सीन का। स्टेट्स हैव बीन आस्क्ड टू प्रिपेयर लिस्ट बाय मंथ एंड ऑफ प्रायोरिटी पॉपुलेशन ग्रुप्स, की एक प्रायोरिटी पॉपुलेशन ग्रुप्स की लिस्ट मांगी है स्टेट्स को से, जिससे क्या कहते हैं वो वैक्सीनेशन से जब वैक्सीनेशन वैक्सीन मिल जाए तो वैक्सीनेशन उन ग्रुप्स का पहले किया जाए प्रायोरिटी लिस्ट में जो पहले होंगे। जैसे इसमें आ सकते हैं बोथ गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर, डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिक्स, सैनिटरी स्टाफ, आशा वर्कर्स, सर्विलेंस ऑफिसर्स, और जो ट्रेसिंग टेस्टिंग और ट्रीटमेंट में वे क्या कहते हैं करते हैं लोग, उनको पहले इन बेनिफिशरीज का प्रोवाइड होना चाहिए और इस लिस्ट में प्रायोरिटी लिस्ट में उन्हीं का नाम होना चाहिए, ऐसा इसमें बात की गई है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है, सेक्शन 29 ऑफ पॉक्सो एक्ट एप्लीकेबल ओनली आफ्टर ट्रायल बिगिंस, कि हाई कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 29 जो है पॉक्सो एक्ट का, उस अगर ट्रायल बिगिन होता है तभी आप लगा सकते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं पॉक्सो एक्ट है क्या, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, ये है क्या, इसको हम लोग अलग से देख लेते हैं। पॉक्सो द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस बिल 2019, ये पास किया गया था बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट के द्वारा, जिससे वो सेक्सुअल अब्यूज ऑफ चिल्ड्रन को रोक सके। इट्स एक्ट टू प्रोवाइड मोर स्ट्रेंजेंट पनिशमेंट, जिससे डेथ पेनल्टी, सेक्सुअल क्राइम्स अगेंस्ट चिल्ड्रन, ये सब रोकने के लिए से किया गया था, कि जो सेक्सुअल क्राइम्स होते हैं उनसे रोकने के लिए जो इसमें डेथ पेनल्टी में पनिशमेंट है। सिग्निफिकेंस क्या है इसका, द अमेंडमेंट इज एक्सपेक्टेड टू डिस्करेज द ट्रेंड ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज होता है उसको रोकने के लिए जो ट्रेंड चल रहा था उसको रोकने के लिए इसे अमेंड किया गया था और डेथ पेनल्टी इसमें जोड़ी गई थी। द अमेंडमेंट इज एम टू एस्टैब्लिश क्लैरिटी रिगार्डिंग द एस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड अब्यूज एंड पनिशमेंट थेरऑफ, की क्या कहते हैं ये क्या कहते हैं एक अमेंडमेंट, ये एक तरह से क्लैरिटी बनाता है कि कहते हैं कि क्या चाइल्ड अब्यूज़ है और क्या कहते हैं क्या क्या पनिशमेंट हो सकती है किस किस पर्सन को। इट इज़ जेंडर न्यूट्रल एंड दस लिंक्स इनटू सेक्सुअल असॉल्ट ऑफ बोथ माइनर बॉयज एंड गर्ल्स, की क्या कहते हैं ये जेंडर न्यूट्रल है, जो भी माइनर बॉयज एंड गर्ल्स के ऊपर सेक्सुअल अब्यूज़ होता है तो क्या कहते हैं उनके ऊपर ये एक्ट लगता है। इंट्रोडक्शन ऑफ डेथ पेनल्टी, इसमें डेथ पेनल्टी को जोड़ा गया है। इट रिफर्स टू जजमेंट टू द सुप्रीम कोर्ट इन माची सिंह, जो माची सिंह केस था, माची सिंह 1983 और देवेन पाल सिंह 2002 केस, इन विच द कोर्ट हैड हेल्ड द डेथ पेनल्टी कैन बी अवॉर्डेड ओनली इन रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस, की पहले जो जजमेंट होते थे उनमें डेथ पेनल्टी बहुत कम ही दिया जाता था रेयरेस्ट टू रेयर केस में, तो अब इसमें क्या कहते हैं डेथ पेनल्टी पनिशमेंट जोड़ दिया गया है पॉक्सो एक्ट में। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं आज का। अब एडिटोरियल देखते हैं हम लोग, आज का पहला एडिटोरियल अंगटिल वैक्सीन, कि अनलॉक मूव शुड कंटिन्यू टू प्रोटेक्ट द वल्नरेबल एज द इकोनॉमिक शिफ्ट्स गियर्स, की जो अनलॉक मूव से अनलॉक जो अनलॉक चल रहा है अनलॉक पीरियड, धीरे धीरे सब चीज़ अनलॉक रेगुलेशंस आ रहे हैं, जैसे अक्टूबर के लिए आ गए,
तो धीरे धीरे इसके कारण इकोनॉमी शिफ्ट करेगी, गियर अप करेगी, ऐसा कहा जा रहा है इसमें। जैसे हमने देखा कि इंडिया का फिफ्थ राउंड ऑफ अनलॉक रेगुलेशन आया अक्टूबर के लिए, जिसके कारण फर्दर एक्सपेंशन हुआ पब्लिक एक्टिविटी मेनली, जैसे एजुकेशन, इंटरटेनमेंट, बिजनेस कॉन्फ्रेंसेस, इन सबको खोल दिया गया धीरे धीरे, कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ इन्हें खोल दिया गया है। नेशनली हमने देखा कि नए इन्फेक्शन कम हुए थोड़े से, एट अबाउट 60,000 हुए, बीच में 1 लाख आ रहे थे केसेस, ऐसा जॉन हॉपकिंस कोरोना वायरस रिसोर्स सेंटर डाटा है, ऐसा उसने बताया है कि 60,000 केस पर डे आ रहे हैं। डिसीजंस टू अलाउ स्टेट्स टू कंसिडर री ओपनिंग स्कूल्स एंड कोचिंग सेंटर्स, की 15 अक्टूबर के बाद स्टेट्स भी डिसाइड कर सकते हैं कि स्कूल्स उन्हें खोलने हैं और कोचिंग सेंटर्स खोलने कि नहीं, वो स्टेट का डिसीजन होगा, स्टेट डिसाइड करेगी कि वो क्या विश करती है, ओपन करने के लिए या नहीं ओपन करने के लिए। इसी तरह स्लोइंग कम्युनिटी स्प्रेड जो बीच में बहुत ज़्यादा फैल गया था वो धीरे धीरे कम हुआ है, ऐसा इसमें कहा गया है। जैसे हमने देखा कि सिंस गवर्नमेंट ब्लेम केयरलेस एटीट्यूड फॉर कंटिन्यू ट्रांसमिशन, की गवर्नमेंट ब्लेम करती है सेंट्रल गवर्नमेंट की केयरलेस एटीट्यूड, जैसे नोटेबली इन केरला एंड तमिलनाडु देखा जा सकता है कि केयरलेस एटीट्यूड के कारण वहाँ पे ट्रांसमिशन अभी तक रुका नहीं, धीरे धीरे फैल ही गया, और फिर से बीच में रुका था फिर फैलने लगा, तो ये केयरलेस एटीट्यूड के कारण कि वहाँ पे उतने कंडीशन नहीं लगाए, रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाए गए पब्लिक मूवमेंट में। वाइल एसेंशियल मूवमेंट फॉर इकोनॉमिक रीजन, जैसे एसेंशियल मूवमेंट है इकोनॉमिक रीजन के लिए, इंक्लूडिंग यूज़ ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, की पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करना इज अनअवॉइडेबल इन डिफरेंस टूवर्ड्स सेफ पब्लिक बिहेवियर एक्सट्रैक्टिंग हैवी सोशल कॉस्ट, की ये पूरी तरह से ये पब्लिक बिहेवियर सेफ पब्लिक बिहेवियर नहीं है, ये क्या कहते हैं एट रिस्क भी है, रिस्क बढ़ा सकता है आप अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं, और रिस्ट्रिक्शन से जो रिस्ट्रिक्शन लगे हैं कि इतने ही लोग बैठेंगे या क्या कहते हैं इतने ऐसे बैठना है एक एक गैप लेके, तो इस तरह की आप रिस्ट्रिक्शन नहीं फॉलो करेंगे तो आप एट रिस्क आ सकते हैं। अमंग द रिलैक्सेशन मेजर्स इन द अक्टूबर हमने देखा अनलॉक फेज में कि सिनेमाज मल्टीप्लेक्स को 50% कैपेसिटी के साथ खोल दिया जाएगा, जिससे क्या कहते हैं कंडीशंस और गड़बड़ हो सकती है, लेकिन अगर ये रिस्ट्रिक्शंस माने गए तो कहते सही है, नहीं तो एसिम्प्टोटिक जो पेशेंट्स होते हैं वो कहते हैं उनका सिम्टम्स तो पता नहीं चलते तो वो किसी को भी फैला सकते हैं, तो ये एक तरह से एक रिस्क सराउंडिंग हो जाएगी, क्या कहते हैं आप इन क्लोज स्पेसेस, और ट्रांसमिशन फैलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। हमने ये देखा है एवरी एट लास्ट इसमें कहा गया है एवरी एफर्ट टू रिलीव द सिटीजन फैटिक ओवर कोविड-19 शुड बी मेड, कि सिटीजन को रिलीफ करने प्रोवाइड करने के लिए ये कोविड-19 से कोई हर स्टेप लेना गवर्नमेंट को जरूरी है, बट द गोल इज टू प्रिजर्व हेल्थ अंटिल अ मेडिकल ब्रेक थ्रू इज मेड, की इस तरह के क्या कहते हैं आपने अनलॉक फेजेस में इतना तो खोल दिया लेकिन तब भी गवर्नमेंट को क्या कहते हैं गवर्नमेंट का गोल होना चाहिए हमें प्रिजर्व करना है, क्या कहते हैं अंटिल अ मेडिकल ब्रेक थ्रू इज मेड, की जब तक कोई वैक्सीन आती है तब तक हमें सबको प्रोटेक्ट करना है, ऐसा इस न्यूज में बताया गया। तो पूरा इसमें वैक्सीन के बारे में बताया गया है और क्या क्या गवर्नमेंट के स्टेप्स हैं वही सब इसमें बताया गया। चलिए अगला एडिटोरियल देखते हैं। अगला एडिटोरियल आता है मिक्स्ड सिग्नल्स, कि लेटेस्ट डाटा जीएसटी गिव्स अस फॉर होप ओवर सस्टेनेबल मोमेंटम इन ग्रोथ, की कहते हैं जो नया जीएसटी डाटा है उसको क्या कहते हैं सस्टेनेबल मोमेंटम इन ग्रोथ, कि एक मोमेंटम आ सकता है क्या कहते हैं सस्टेनेबल क्या कहते हैं ग्रोथ में, इकोनॉमिक ग्रोथ में, ऐसे इसमें कहा गया है। जैसे हमने देखा इन दिस पैंडेमिक हिट टाइम्स जब मोस्ट इकोनॉमिक न्यूज हैव बीन ग्रिम द लेटेस्ट जीएसटी डाटा गिव कॉज फॉर सम होप, कि जो नया जीएसटी डाटा है वो थोड़ा सा होप बढ़ाता है कि हमारे कंडीशन सुधर सकती है। ग्रॉस रेवेन्यू कलेक्शन फ्रॉम जीएसटी जो सिक्स फ्रॉम स्केल द 6 month हाई ऑफ 95,480 करोड़ सितंबर की, सितंबर में अच्छी अमाउंट में जीएसटी कलेक्शन हुआ है 95,000 करोड़, तो इससे वही लग रहा है कि एक होप आया कि कहते हैं हमारा इकोनॉमी इम्प्रूव कर सकती है, जो इतना डिक्लाइन की है वो इम्प्रूव कर सकती है फर्स्ट टाइम इन द करेंट फिसल ईयर व्हेन द टैक्स रिसिप्ट एक्सीडेड द ईयर अर्लियर पीरियड्स फिगर, कि जैसे हमने देखा क्लियरली विद लॉकडाउन रेस्ट्रिक्शन हैव बीन सिग्निफिकेंटली ईज्ड, कि धीरे धीरे कम हुए तो इकोनॉमिक एक्टिविटी अपीयर्स टू हैव रिगेन सम मोमेंटम, कि थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे मोमेंटम सही हुआ है। तो इसमें बात होती है जीएसटी के बारे में, पूरा एडिटोरियल जीएसटी के बारे में इसको हम लोग देख लेते हैं क्या है जीएसटी। जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएस पेपर थी गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन, कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की ये वैल्यू एडेड टैक्स है जो गुड्स एंड सर्विसेज पे लगाया जा सकता है डोमेस्टिक कंजप्शन के लिए, ये कंज्यूमर्स के द्वारा पेड किया जाता है। मेन फीचर्स ऑफ जीएसटी क्या होते हैं, ये एप्लीकेबल होता है सप्लाई साइड में भी,
डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन है इसमें, ड्यूअल जीएसटी जैसे सेंट्रल जीएसटी लगता है और स्टेट जीएसटी भी किसी किसी प्रोडक्ट्स में लगता है। इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जीएसटी रेट्स भी म्यूचुअली डिसाइडेड की सेंट्रल जीएसटी, सी जीएसटी, एस जीएसटी, आई जीएसटी, सब एक म्यूचुअली डिसीजन होता है सेंटर और स्टेट का। मल्टीपल रेट्स होते हैं जैसे जीएसटी कुछ पे 5%, 12%, 16%, 28%, जैसे अभी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में 12% से जीएसटी रेट बढ़ा के 18% किया गया, इसीलिए जीएसटी कलेक्शन और बढ़ा है, जिससे क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स सभी को लोग खरीद रहे हैं, तो इस तरह का कई कई प्रोडक्ट्स में जीएसटी रेट्स, जीएसटी परसेंट बढ़ाया गया, तो इसके कारण इसीलिए इतना ज़्यादा जीएसटी कलेक्शन हुआ। लेजिस्लेटिव बेसिस क्या है जीएसटी का? ये जीएसटी बिल इंट्रोड्यूस किया गया था 2014 में एज द कॉन्स्टिट्यूशन 122 अमेंडमेंट बिल। ये अप्रूवल इसे मिला 2016 में और वॉज रिनंबर इन द स्टैच्यू बाय राज्यसभा एज द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016 के तहत राज्यसभा में लाया गया था। सेंट्रल जीएसटी टू कवर एक्साइज ड्यूटी, जो सेंट्रल जीएसटी होता है वो एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, स्टेट जी और स्टेट जीएसटी जो होता है वो वैट, लग्जरी टैक्स कंप्राइज करता है। इंटीग्रेटेड जीएसटी टू कवर इंटर स्टेट रेट, जो आई जीएसटी होता है वो कवर करता है इंटर स्टेट रेट, रेट जो इंटर स्टेट ट्रेड होते हैं उनको कवर करता है। जीएसटी काउंसिल क्या होता है? जीएसटी काउंसिल बनाया गया था प्रेसिडेंट द्वारा टू एडमिनिस्टर एंड गवर्न जीएसटी की, एडमिनिस्टर और गवर्न करने के लिए जीएसटी को। ये काउंसिल है वो डिवाइड करता है इन सच अ वे दैट द सेंट्रल विल हैव वन थर्ड वोटिंग पावर एंड द स्टेट हैव टू थर्ड वोटिंग पावर। जो डिसीजन लिए जाते हैं वो टू थर्ड थ्री फोर्थ मेजोरिटी के साथ लिए जाते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या हैं जीएसटी के फॉर द गवर्नमेंट? जैसे ये एक यूनिफाइड कॉमन मार्केट प्रोवाइड करता है, क्रिएट करता है स्ट्रीमलाइन टैक्सेशन की, हार्मोनाइजेशन ऑफ लॉज, प्रोसीजर एंड रेट्स ऑफ टैक्स सेंटर और स्टेट्स के बीच में और अक्रॉस स्टेट्स के बीच में ये बनाता है। टैक्स कॉम्प्लियंस बढ़ाता है कि टैक्स कॉम्प्लियंस बढ़ाता है फॉर ओवरऑल इकोनॉमिक, ओवरऑल इकोनॉमी के लिए क्या जरूरी है? ये सर्टेनिटी लाता है, ब्रिंग अबाउट सर्टेनिटी, करप्शन को कम करता है, बूस्ट करता है सेकेंडरी सेक्टर को, अल्टीमेटली हम कह सकते हैं पॉवर्टी इरेडिक्शन को कम करता है और मोर एम्प्लॉयमेंट, मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। फॉर द ट्रेड एंड इंडस्ट्री के लिए क्या है? कहते हैं ये सिंपलर टैक्स सिस्टम है कि कम है, सिर्फ एक टैक्स है तो देने में आसान है, लोग दे सकते हैं, नहीं तो कई पहले ज़्यादा टैक्स थे तो देने में दिक्कत होती थी। इस तरह की कई कंडीशन जैसे इंक्रीज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, रिडक्शन इन मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस, एलिमिनेशन ऑफ डबल टैक्सेस, मोर एफिशिएंट न्यूट्रलाइजेशन, और क्या कहते हैं प्रोडक्ट्स को और कॉम्पिटिटिव बनाना इंटरनेशनल मार्केट में, सिंप्लीफाइड और ऑटोमेटेड प्रोसीजर प्रोवाइड करना, तो ये सब एडवांटेजेस हैं जीएसटी के। चलिए अब देखते हैं लास्ट में एडिटोरियल में कहा गया है, एक रियल रीजनेबली एक्यूरेट प्रेगोनाइजेशन फॉर द टैक्स कलेक्शन ट्रेंड फॉर द सेकेंड हाफ में होल्ड द की टू अनटैंगलिंग द लॉग जैम की। अभी जो सेकेंड हाफ ऑफ द टैक्स कलेक्शन होगा उसमें पता चलेगा कि क्या शॉर्टफॉल है और क्या दिक्कतें आ सकती है सेंटर स्टेट ट्रस्ट डेफिसिट में, तो इसमें ये बात की गई है। चलिए अगला एडिटोरियल देखते हैं। अगला एडिटोरियल आता है अ कमीशन मिसगाइडेड कि नेशनल ट्रेड राइट्स बॉडी सीम्स टू बी डिराइविंग इट्स प्रायोरिटी फ्रॉम द पॉलिटिकल एजेंडा ऑफ द डे, कि जो नेशनल चाइल्ड राइट्स बॉडी है वो पूरी तरह से डिप्राइव करती है अपनी प्रायोरिटी पॉलिटिकल एजेंडा के हिसाब से। जो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है वो एक एपेक्स बॉडी जो अपहोल्ड करती है, मॉनिटर करती है चाइल्ड राइट्स को, जो चाइल्ड राइट्स इन द कंट्री उनको। इसमें इसके सिग्निफिकेंट पावर्स और ड्यूटीज जैसे एनसीपीसीआर जो है वो एक सिग्निफिकेंट चार्ज विद मॉनिटरिंग ऑफ चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन जो सीसीआईज होते हैं, और इंस्ट्रक्ट करती है कि सोशल ऑडिट क्या है सेम बाय द सुप्रीम कोर्ट। इसके बाद ये क्या कई चेंजेस है एनसीपीसीआर के पास, उसको हम लोग पूरा से अलग से देख लेते हैं। ये नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स को अलग से देखते हैं हम लोग पॉइंट टू वाइज। देखते हैं ये नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, इसे बनाया गया था मार्च 2007 में फॉर द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005 के तहत। ये एक्ट है पार्लियामेंट का, ये एक स्टैचुरी बॉडी है जो अंडर द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट सीपीसीआर एक्ट 2005 के अंदर के एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है। द कमीशन मैंडेट ये है कि लॉज, पॉलिसी, प्रोग्राम और एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म जो कंसर्न्स कर सके चाइल्ड राइट्स को। अंडर दिस क्या कहते हैं चाइल्ड इज डिफाइंड एज अ पर्सन इन 0 to 18 ईयर्स एज ग्रुप, कि चाइल्ड 0 से 18 साल के बीच में एक चिल्ड्रन के उसमें आता है। कमीशन विजुलाइज करती है राइट बेस्ड परस्पेक्टिव फ्लोइंग जैसे नेशनल पॉलिसीज हो गई, प्रोग्राम्स स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक लेवल्स में उन प्रोग्राम्स को फैलाना, स्पेसिफाई करना, स्ट्रेंथ बनाना हर रीजन की।
In order to touch every child, it seeks a deeper penetration to communities and households and express that the grounder experience कि कोई भी बच्चे को छूना क्या कहते हैं एक तरह से एक डीपर पेनेट्रेशन हो सकता है किसी भी कम्युनिटी या हाउस होल्ड को दिक्कत हो सकती है। ये कमीशन एक इंडिस्पेंसेबल रोल भी प्ले करता है स्टेट के लिए, साउंड इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग प्रोसेस बनाता है। इसके फंक्शन क्या है, ये एग्जामिन करता है, रिव्यू करता है, सेफगार्ड करता है जो लॉस प्रोवाइड होते हैं उनसे क्या कहते हैं बच्चों को, प्रेजेंट टू बी सेंट्रल गवर्नमेंट एनुअली एंड एट सच इंटरवल्स एट द कमीशन में डीम फिट की पूरी तरह से सेफ गार्ड करना, वर्क करना, रिपोर्ट बनाना, इंक्वायर इनटू वॉलेशन ऑफ चाइल्ड राइट्स और इंक्वायरी भी करना कि चाइल्ड राइट्स कहीं डैमेज तो नहीं हो रहे, एग्जामिन करना हर फैक्टर्स को, टेररिज्म, कम्युनल वायलेंस, रायट्स, नेचुरल डिजास्टर, इन सब वेज को भी देखना क्या कहते हैं इनसे कोई चाइल्ड अब्यूज़ तो नहीं हो रहा है कि उनकी राइट्स कोई डैमेज तो नहीं, चिल्ड्रन राइट्स, ये मैटर्स देखना जैसे स्पेशल केयर एंड प्रोटेक्शन इंक्लूडिंग चिल्ड्रन इन डिस्ट्रेस, मार्जिनलाइज डिसएडवांटेजेस चिल्ड्रन, इन सबको देखना, अंडरटेक एंड प्रमोट रिसर्च इन द फील्ड ऑफ चाइल्ड राइट्स की प्रमोट कर रहा है रिसर्च फील्ड में चिल्ड्रन को, स्पीड करना चाइल्ड राइट्स लिटरेसी, लिटरेसी प्रोग्राम उनका इम्प्रूव करवाना, इंक्वायर इन टू कॉम्प्लेंट्स एंड टेक सू मोटो नोटिस ऑफ मैटर रिलेटिंग टू, जैसे इंक्वायर करना कंप्लेंट्स जो आए या सो मोटो नोटिस आए मैटर का, डेप्रिवेशन एंड वॉयलेशन चाइल्ड राइट जैसे कहीं वॉयलेट हो रही चाइल्ड राइट उसका नोटिस आया या कंप्लेन आए तो उसको देखना, नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज प्रोवाइडिंग फॉर प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन की नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज हो रहा है कहीं पे कि इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा लॉज को प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन के लिए, नॉट कॉम्प्लेंस ऑफ पॉलिसी डिसीजन की कॉम्प्लेंस पॉलिसी डिसीजन या गाइडलाइंस या इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं हो रहे उन सबको भी देखना। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है पोस्ट पैंडमिक स्ट्रेस मिस्टेकन फॉर कार्डियक इश्यूज, कि जो पोस्ट पैंडेमिक स्ट्रेस है वो पूरी तरह से कार्डिक इश्यूज के लिए, जैसे हमने देखा कि पाउंडिंग हार्ट गिविंग द सेंस ऑफ एन एमिनेंट हार्ट अटैक कि कार्डिक प्रॉब्लम इस वक्त लोगों को बहुत ज़्यादा हो रही है, इज मेकिंग पीपल कंसल्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स थ्रू वीडियो कॉल्स की, वीडियो कॉल्स के द्वारा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से लोग बात कर रहे हैं, कॉशिंग दैट ओनली डिटेल एग्जामिनेशन एंड डायग्नोस्टिक रिपोर्ट्स कैन हेल्प डॉक्टर डायग्नोज द एक्चुअल कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, कि जब एक डिटेल्ड एग्जामिनेशन होगा या डायग्नोस्टिक रिपोर्ट प्रोवाइड होगी डॉक्टर्स को तभी वो डायग्नोज कर सकेंगे प्रॉब्लम को, और जो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं वो स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी ट्रिगर्ड बाय वेरियस रीजन कुड गिव अ सेंस ऑफ एन एबनॉर्मल हेल्थ रिटर्न, कि जब एक स्ट्रेस हो एंग्जाइटी हो और तभी ये कई रीज़न है इन्हीं के कारण हमारा हार्ट रिदम जो होता है वो डैमेज होता है जो नॉर्मल एबनॉर्मल हो जाता है जो नॉर्मल से एबनॉर्मल, जिसके कारण ये कार्डियक अरेस्ट होता है और पोस्ट पैंडेमिक पीरियड में ये काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, इसी के लिए लोग देख रहे होंगे आप लोग कहते हैं डेथ्स बहुत ज़्यादा जो हो रही है वो कार्डिक अरेस्ट से बहुत ज़्यादा हो रही है, तो लोग कहते हैं कोरोना के कारण तो होता है कि अगर आपको कोरोना होता है तो ब्लॉकेज होता है हो जाता है लंग्स में कहते हैं जिसके कारण एक कार्डिक अरेस्ट भी कभी कभी हो जाता है, तो इसके कई सिम्टम कार्डिक अरेस्ट के भी हैं लेकिन ये कार्डिक अरेस्ट एंगजाइटी के कारण भी हो रहा है, एंगजाइटी या स्ट्रेस इन सब चीज़ों रीजंस के कारण भी कार्डिक अरेस्ट हो रहा है ऐसा डॉक्टर्स का कहना है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं, साथ ही एक सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट इनवॉलेंट्री नार्को टेस्ट की जो इनवॉलेंट्री नार्को टेस्ट होते हैं उनके खिलाफ है सुप्रीम कोर्ट, 2010 जजमेंट में भी हमने देखा था इट वॉज सच टेस्ट वो अर्फनॉट टू डिग्निटी एंड लिबर्टी, कि ये सच टेस्ट जो होते हैं वो डिग्निटी और लिबर्टी के खिलाफ होते हैं ऐसा इसमें कहा गया था। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ लाइक बटन जरूर दबा दें, थैंक यू वेरी मच।